अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास वन, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज मैं आपको ग्रामर टुडे की जो है वो पेज नंबर 3 और 4 जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 1 और 2 को डिस्कस किया, तो आज मैं 3 और 4 को डिस्कस करूँ। तो आप इस वीडियो को जो है वो केयरफुली जो है वो देखिएगा गौर से। हम सबसे पहले एक्सरसाइज एफ पर जो है वो काम करेंगे कि देयर आर 5 वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ एन यू। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल्स वर्ड होते हैं जिसमें आपके ए ई आई और यू जो है वो होता है। रीड द वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक राइमिंग वर्ड्स। आपको जो है इन वर्ड्स को जो है वो केयरफुली यानी जो है रीड करना है, और इसके बाद जो है इसी से मिलता जुलता एक वर्ड जो है वो लिखना है आपने। सबसे पहले हम ए वॉवल वर्ड जो है इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एफ ए टी फैट और एम ए टी मैट। अब यहाँ पर उन्होंने एक ब्लैंक छोड़ दिया है, डैश छोड़ दिया है, जिसमें हमें बताना है कि हम यहाँ कौन सा वर्ड लिखें जिसके मतलब जो पढ़ने में इसी की तरह हो लेकिन उसकी मीनिंग जो है वो मतलब अलग हो। अब हम यहाँ लिख देंगे, इसे हम लिख देते हैं आर, तो क्या बन जाएगा रेड। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे आर ए टी रेड। इसी तरह हम ई में जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे ई वाले वर्ड्स नज़र आ रहे हैं जिसमें सबसे सेंटर में ई है, जैसे जी ई टी गैट, एल ई टी लैट। अब इसी तरह यहाँ पे भी आपने एक वर्ड लगाना है जिसके बाद जो है वो एक और नया वर्ड बन जाए। हम यहाँ लिख देंगे पी, पी ई टी पैट। आई के वर्ड्स यहाँ पे बी आई बी वेब, बी आई डी बेट, बी आई टी बेट, बी आई एन बिन। अब हम यहाँ कौन सा वर्ड लिखें जिसको हम लिखने के बाद उसकी मीनिंग मतलब हो, और ऐसा वर्ड लिखेंगे जिसकी मीनिंग भी हो। तो हम यहाँ बी आई जो आप सोच समझ के लिखेंगे, इसी तरह बाकी में भी आपने ही करना है, और वर्ड जो है वो ऐसे लिखने हैं जिसकी मीनिंग भी बने। तो बाकी जो 3 कॉलम्स ही आप करेंगे, मैंने 2 कॉलम्स आपको समझा दिए हैं। अब हम एक्सरसाइज सी पर चलते हैं। द अदर 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स, कंप्लीट द लिस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन दिस कैटरपिलर। आपने जो है वो 21 लेटर जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स कौन से लेटर्स होते हैं जिसमें आपके ए ई आई ओ यू वॉवल्स वर्ड्स को हटा के जो वर्ड्स रह जाते हैं वो हमारे रहते हैं वो थे, उनको कहते हैं हम कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पे भी जो है आपने इस कैटरपिलर के जो सर्कल्स हैं इनमें आपने कॉन्सोनेंट्स वर्ड जैसे बी लिख दिया, हमने ए नहीं लिखे क्योंकि ए जो है हमारा वॉवल्स वर्ड है। तो हमने बी से स्टार्ट किया, बी सी डी लिखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे सारा, और ई जो है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ई जो है वो वॉवल वर्ड है। तो जो जो वॉवल वर्ड है उनको हटा के इसके अलावा जो वर्ड्स हैं लेटर्स हैं वो आपने इन सर्कल्स में जो है वो लिखने हैं। अब हम चलते हैं पेज नंबर 4 पर। जी अब हम आ गए हैं पेज नंबर 4 पर एक्सरसाइज एच। लिंक द मिसिंग लेटर्स इन दीज एनिमल्स नेम, सर्कल द वॉवल्स इन दीज वर्ड्स, अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आपको जो है यह डायग्राम्स बनी हुई नज़र आ रही एनिमल्स की, और इनको जो है आपने फिल करना ब्लैंक्स को जहाँ आपको दिए, और इन जानवरों के जो है वो नाम लिखने हैं, और सर्कल करना है आपने वॉवल्स वर्ड पर। अब हम पहले देखते, पहले उन्होंने जो है वो टाइगर आपको करके दिखाया, यहाँ इन्होंने 2 अंडरलाइन दिए थे, इन्होंने एक में टी लिखा एक में आर, तो ये बन गया टाइगर। अब इस वर्ड में हम देखेंगे कौन कौन से वॉवल्स वर्ड हैं। तो यहाँ पर आई और ई जो थे वो वॉवल्स वर्ड थे, इनको हमने कर दिया सर्कल। ठीक है, जो वॉवल्स वर्ड होंगे उन पर हमें सर्कल करना होगा। हम नंबर 2 करके मैं आपको दिखाती हूँ। पिक्चर में आपको देखें मंकी नज़र आ रहा होगा, तो मंकी किससे स्टार्ट होता है, एम से। हम लिख देंगे एम, एम ओ एन के ई वाई मंकी। अब इस वर्ड में जो है कौन से वॉवल्स वर्ड है वो हमें देखने हैं, ढूंढने हैं और पर सर्कल करना है। तो हमने देखा कि एम तो नहीं है, ओ ओवल वर्ड है तो हमने इसको सर्कल कर लिया, एन वॉवल वर्ड नहीं है, के भी नहीं है, और ई जो है वो वॉवल्स वर्ड है तो हमने इसको सर्कल कर लिया। ये दो वॉवल्स वर्ड हमें मौजूद नज़र आए तो हमने इन पर सर्कल कर दिया। ठीक है जी, अब 3 पे हम जाते हैं। ये आपको जो है पिक्चर में नज़र आ रहा होगा क्या है, पिजन, कबूतर। तो पिजन हमारा स्टार्ट होता है पी से, तो हमने इस अंडरलाइन के ऊपर जो है वो पी लिखा। अब हम इसको रेडी पी आई जी ई ओ एन, ये हो जाएगा पिजन। अब इसमें जो जो वॉवल्स वर्ड हैं आपको जो है ढूंढना होगा, जैसे यहाँ पे आई और है ओ और ये है ई, 3 वर्ड जो थे इसमें जो थे वो वॉवल्स थे, तो हमने इन 3 पर जो है वो सर्कल कर लिया। इस तरह बाकी जो है वो आपने करने, पहले जो है ब्लैंक को फिल करना है, इसके बाद जो है वॉवल्स वर्ड ढूंढ के उनको सर्कल करना है। हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर आई पर। सर्कल द वर्ड्स फॉर्म्ड बाय द गिवन वॉवल्स इन ईच ग्रुप। आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए मिलेंगे, आप नज़र आएंगे आपको, और उनमें से आपको जो है वर्ड जो है वो ढूंढना है जिसकी मीनिंग्स भी हों, और उनमें वॉवल्स वर्ड का भी जो है वो आना ज़रूरी है। सेम उन्होंने फर्स्ट आपको करके दिखाया है बी ए जी बैग,
मैंने इस पर सर्कल कर लिया, और टी ए पी टैप इन दोनों पर जो है मैंने सर्कल कर लिया, उनमें जो है वोवल्स वर्ड भी जो है हमारे पास ए ए जो है वो मौजूद है। इसी तरह हम टू देखेंगे, बहुत से वर्ड्स आपको एक साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपने जो है वोवल्स वर्ड वाले जो है वो लेने से एन ई टी नैट ये बन गया, और दूसरा हमने देखा लास्ट में एच ई एन हैन, इन दोनों में भी जो है वोवल्स वर्ड हमें मिल रहे हैं, उन दोनों की मीनिंग्स भी जो है वो होती हैं। इसी तरह नंबर थ्री पी यू पी पप कुछ नहीं होगा, लेकिन हम पी आई एन पिन पढ़ते हैं तो ये पिन बन जाता है। और इसके अलावा हम देखेंगे कोई और वर्ड जी एन आई बी निप, दोनों में जो है आई आई सेम जो है वोवल्स वर्ड आना ज़रूरी है। इसी तरह फोर और फाइव भी जो आप करेंगे जिसमें वोवल्स वर्ड जो है वो दोनों सेम, जैसे यहाँ ई है यहाँ भी ई है, यहाँ आई है यहाँ पे आई, यहाँ ए है यहाँ पे भी ए है, इसी तरह ऐसे वर्ड्स लेने हैं आपने। तो ये वीडियो आज की हमारे यहीं पर इख्तिताम करती हूँ मैं आप, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेजेस के जो हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।